तो एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी हरियाणा आया हुआ हूं, कनीना विक्की जी पंसारी के यहां पशुओं की अनेक प्रकार की बीमारियों के समाधान और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों, इनसे बहुत सी जानकारी मैंने ली, लेकिन एक मेरे को एक कॉमन सी बीमारी जो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है कि पशुओं का कम चरना, जुगाली कम करना, पशुओं को बदहजमी हो जाना, आफरा चढ़ जाना या गोबर से बदबू आना, पानी कम पीना, ये लगभग आपने लगभग हर पशु में ये बीमारी देखी होगी। तो इस बीमारी क्यों होती है और इसका क्या समाधान है और उसे कैसे बचा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं विक्की जी से विस्तृत, और इसके बचाव के बारे में और इलाज के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार विक्की जी, आपका स्वागत है। तो बताएंगे सर, ये पशुओं में ये बीमारी लग क्यों जाती है? पशुओं में ये बीमारी लगने के मुख्य दो तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पशु जो चारा खाता है, जी जी, जो दाने खाते हैं, उनके साथ रेत मिट्टी चले जाते हैं। तो रेत मिट्टी जाने से पशुओं के वो रेत मिट्टी लीवर में जम जाते हैं, जिससे पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये कारण बनता है कि पेट में लीवर में तकलीफ हो जाती है। तो इसे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके बचने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हम पशु को हरा चारा खिलाते हैं उसमें रेत मिट्टी नहीं लगी रहनी चाहिए। जो सूखा तूड़ा खिलाते हैं उसको भी छान के खिलाना चाहिए, उसमें भी बहुत मात्रा में पशुओं के शरीर में रेत चला जाता है। तो विशेष तो यही सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि पशु के ऊपर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर पशु बीमार हो गया तो उसके लिए क्या घरेलू उपचार है जिसकी सहायता से हम पशुओं को ये इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुओं में जितनी भी बीमारियाँ आएंगी ना, तो शुरुआत पेट की बीमारी से ही होती है। अगर आपके पशु का लीवर ठीक है तो आपके पशुओं की लगभग बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो लीवर ठीक करने के लिए हमें करना क्या है, जमींदार के किसान के खेतों में बहुत से पेड़ पौधे हैं, उसकी रसोई घर में बहुत से मसाले हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, तो इससे पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। कौन कौन से मसालों और पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, ऐसे तो सैकड़ों पेड़ पौधे हमारे आसपास उपलब्ध है, लेकिन जो मौके पे मिल जाए उन्हीं का यूज कर लो। जैसे कि रसोई में क्या मिलेगा आपको, अदरक मिल जाएगी, लहसुन मिल जाएगा, अजवाइन मिल जाएगी, सौंफ मिल जाएगा, जीरा मिल जाएगा, हल्दी मिल जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें लीवर के लिए ठीक रहती हैं उनको आप कूट पीट के अपने पशुओं को दे सकते हैं। मतलब देने के लिए कोई विशेष विधि? विशेष विधि यही है कि लीवर संबंधी जो भी जड़ी बूटियाँ या मसाले हमारे घर में हैं उनके लिए कोई खास विधि की जरूरत नहीं है। पशु को कुटोन जड़ी बूटियों को और 150 ग्राम की मात्रा में दे दो, अगर आपका पशु नॉर्मल है तो। और अगर बीमार हो गया तो उसके बाद में क्या इलाज है? अगर पशु में ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि उसके लिए 10-20-15 जड़ी बूटियाँ आएंगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपको लिखवा दूंगा। आप बाज़ार जाइए और वो जड़ी बूटियाँ ले कर आइए किसी पंसारी से अच्छी क्वालिटी की, और अपने पशु को वो खिला दीजिए। उससे खिलाने से आपके पशु के लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ना तो पेट में कीड़े रहेंगे, ना तो बाई मणेगी, ना बादी मणेगी, पशु चरे भी खूबगा, तार भी खूब करेगा, जुगाली भी खूब करेगा, और ना अफारा आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं बताएंगे आप? आपको वो जड़ी बूटियों के नाम लिखवा देता हूँ, उनका नाम आप लिख लीजिए, अजवाइन, कुटकी, बाय भड़ंग, सौंफ, आंवला, कालाजीरी, बड़ी इलायची, हरड़, मरोड़ फली, अमचूर, पुदीना, सौठ। इसके अलावा आपको लेना है नौसादर, मीठा सोडा, जवाखार, सज्जीखार, और आप थोड़ी सी ले लीजिए इसके अंदर बेलगिरी जी, थोड़े से आंवले भी ले लीजिए। इन सब चीज़ों को कूट के इनको लाना कितना है आपके, सबसे बड़ी बात है मात्रा। जी जी, तो मात्रा कितनी लानी है, इन सब को मिला के हमें 100-100 ग्राम लेके रख लेनी चाहिए। अगर किसी के ज़्यादा पशु हैं तो ज़्यादा लेके रख लेनी चाहिए। सबको कूट पीस के तैयार करके हमारे घर में ये चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए जी। इनका उपयोग कैसे करना है, अगर पशु को आपको लगे कि लीवर में कोई दिक्कत है तो छोटे पशु को थोड़ी कम मात्रा देनी है। मैं आपको पूरे पशु की मात्रा बता रहा हूँ, 50-70 ग्राम ये जड़ी बूटी जो सभी का मिश्रण करने के बाद आपके पास तैयार है, उसमें से 50 ग्राम के करीब आप ले लो और पशु को कैसे भी खिला दो, पानी में पिलाओ, छाछ में पिला दो, गुड़ में मिला के दे दो या चारे में मिला के दे दो, उसके पेट में जाने चाहिए, और दोनों समय ये खिला दो आप, तो 4-5 दिन में आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आराम तो उसको
24 घंटे में ही शुरू हो जाएगा। अगर ये सारी जड़ी बूटियाँ किसान को अवेलेबल नहीं हो पाती या इतनी जहमत वो नहीं उठा पाता है, तो क्या आप इसके निदान के लिए कोई दवाई बनाते हैं? इतनी सारी बीमारियों की आप दवाई बना रहे हो। मैंने एक दवाई बना रखी है जिसका नाम है PRF, मतलब कि पशु रत्न खाकी। काफ़ी सस्ती मेडिसिन है और पशुओं के लिए काफ़ी कारगर है। वो 200 रुपये में हम यहाँ किसान को दे देते हैं और उसकी 4 खुराक करके किसान सुबह शाम अपने पशु को खिला दे, दो ही दिन में किसान का पशु बिल्कुल ठीक हो जाए। यानी कि 1-4 खुराक में वो सारी बीमारियां पशु की निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लीवर संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, फिर उसको देने से एक और भी फायदा है। किसान हर चौथे महीने में पशुओं की डीवार्मिंग करवाता रहता है। अगर ये चीज़ें किसान अपने पशुओं को खिलाएगा तो उसको इस तरह की बार बार में डीवार्मिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से पशु के पेट के कीड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जो किसानों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है, एक बार हम किसान भाइयों को आप दिखा दीजिए। मैं आपको अभी वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, ये पैकेट आपको अगर मंगवाना है इनसे तो मंगवा सकते हैं। और अगर ये जड़ी बूटी आप जो अभी लिखवाई है वीडियो में, वो अगर उसका मिश्रण तैयार करके आप पशु को दे सकते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपका पशु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई पशुओं के बीमारी के बारे में। अगर आप विकी जी पंसारी जी से बात करना चाहते हैं, तो इनके नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिनसे आप संपर्क करके दवाई मंगा सकते हैं, इनसे विस्तृत जानकारी ले सकते हो। और भी अन्य प्रकार की बीमारियों के बारे में अगर आप जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, तो इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे पशुओं की अलग अलग बीमारी को लेकर। जल्दी से इनके YouTube चैनल पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।